जिंदगी की कुछ ऐसी बातें जो जीने का हौसला देती है। लाइफ में तेज भागकर आप मंजिल तो पा सकते हैं, लेकिन इसकी अपोजिट साइड देखी जाए तो ब्रेक फेल होने पर कभी कभी आप लाइफ में बहुत कुछ खो भी देते हैं। लाइफ में भले ही देर से पहुँचे, धीमी रफ्तार से चलना सीखे, मंजिल आपको भले ही देर से मिलेगी, लेकिन लाइफ पूरी तरह सिक्योर होगी और एक्सीडेंट का खतरा भी टल जाएगा। कभी कभी लाइफ में हम लोग बिना कुछ सोचे समझे जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ लॉस कर बैठते हैं। लाइफ में जो भी डिसीजन ले, सोच समझ कर फैसला करे, देर लगेगी लेकिन लाइफ में एक्सीडेंट से बच सकते हैं। लाइफ में तेज भागे तो एक्सपीरियंस कैसे पता चलेगा? धीरे चलोगे, रुक रुक कर चलोगे तो भारी नुकसान से पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान के जीवन में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन बड़ा वही बनता है जो हालात को काबू करना सीखे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ही कुछ यही है। जो आप लोगों को इस प्रेरणादायक बातों से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो गाइज, आज की कहानी में हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जो आज क्रिकेट का किंग कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा विराट कोहली के करियर से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आप लोगों के सीने में आग की ज्वाला भड़का देगी। आज से पहले विराट कोहली ने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था, तब किसी ने ये नहीं समझा था कि ये खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंच जाएगा जो हर खिलाड़ी का सपना हुआ करता है। लेकिन विराट कोहली के जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब विराट कोहली का करियर ढलान की ओर जा रहा था। पहले कप्तानी खतरे में आ पड़ी थी, फिर फॉर्म धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और तो और टीम से जगह तक जाने की नौबत आ चुकी थी। मीडिया के सभी चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के ही चर्चे सुनाई पड़ रहे थे। लेकिन विराट कोहली ने हार नहीं मानी, शांत स्वभाव से अपने बुरे वक्त में खामोश रहे। जीवन में चैलेंज ना हो तो ऐसे जीवन का मतलब ही क्या? असल में यही संघर्ष हमें जीने का हौसला देता है। फिर विराट कोहली ने शानदार तरीके से वापसी की और विश्व क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। आज ये खिलाड़ी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज ये खिलाड़ी बब्बर शेर कहलाता है जो अपने बुरे हालात से घबराया नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और लगन से आज उस मुकाम और बुलंदी पर है जो हर खिलाड़ी का सपना हुआ करता है। अगर विराट कोहली संघर्ष ना करते तो क्या इस बुलंदी तक पहुंच पाते? संघर्ष ही जीवन है। यदि लाइफ में कुछ करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सपनों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, सिर्फ बोलने से नहीं कुछ करके दिखाना पड़ता है। माना मंजिलें अभी दूर है, मगर क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपने हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो गाइज, ये थी वो कहानी जिसे सुनकर शायद आपके मन में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा होगा। यदि इस वीडियो से आपको जरा सा भी मोटिवेशन मिली हो तो भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि मेरी वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जब बात रुतबे मान सम्मान की हो तो जवाब देना पड़ता है। किसी महान पुरुष ने कहा था, दुनिया उसी से जलती है जिनमें कुछ करने की क्षमता होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ये कहानी है विराट कोहली की, एक ऐसे जाबाज खिलाड़ी की जिसने कड़ी मेहनत और लगन से आज विश्व क्रिकेट जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है उस महान बल्लेबाज की जिसने ना तो कभी हार मानी है और ना ही मानेगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस तरह विराट कोहली ने अपने करियर में स्ट्रगल करते करते इस बुलंदी तक पहुंचे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे अब तक विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड्स हैं। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो शायद आप लोगों को पता ना हो। तो गाइज, साल 2008 में विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा था जब आईपीएल की शुरुआत पहली बार होने जा रही थी और T20 फॉर्मेट का नया गेम शुरू हो चुका था और भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में T20 वर्ल्ड कप 2007 जीत चुका था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण T20 वर्ल्ड कप 2007 में विराट कोहली को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, विराट कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। आपको बताते चलें कि विराट कोहली ने अपने पहले मैच में कुल 12 रन बनाए थे। फिर चौथे मैच में विराट कोहली ने अपना पहला अर्धशतक 54 रनों की पारी खेली थी और भारतीय टीम को सीरीज जिताने में अहम किरदार निभाया था। विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल पूरे हो चुके हैं और तब से अब तक
विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सभी फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन इस खिलाड़ी के नाम दर्ज है। T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन इस खिलाड़ी के नाम है। सबसे ज्यादा दोहरा शतक इस खिलाड़ी के नाम दर्ज है। सबसे ज्यादा अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम दर्ज है। सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी इस खिलाड़ी ने जीत रखे हैं। तो अब बढ़ते हैं उस दिलचस्प बातों की ओर जो मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को कहा था। तो गाइज, वो बात दरअसल ये है कि आज से 15 साल पहले जब विराट कोहली 2008 में पहली बार जब भारतीय टीम में आए थे, तब टीम के सभी खिलाड़ियों ने मजाकिया अंदाज में इस खिलाड़ी को तेंदुलकर के पैर छूने के लिए मजबूर किया था। आपको बताते चले कि विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में अपने 50वें शतक के साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जिसके बाद मास्टर ब्लास्टर ने अपने बधाई संदेश में भारतीय ड्रेसिंग रूम में दिल्ली के इस खिलाड़ी से पहली मुलाकात को याद किया। तेंदुलकर ने वनडे में 49 शतकों का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब विराट कोहली इस सूची में टॉप पर पहुंच चुके हैं। विराट कोहली के लिए ये मजाक उनका सच बन गया। उन्होंने सचिन के पैर छुए और वह प्रैंक एक वरदान साबित हुआ। आज ये खिलाड़ी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो गाइज, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लाइफ में कुछ भी हो जाए, पीछे हटने से बेहतर है कुछ न कुछ करते रहे। जब चींटी जैसा छोटा सा जानवर बार बार गिरने पर हार नहीं मानता और लगातार परिश्रम और कड़ी मेहनत के बाद अपने एम टारगेट और गोल को अचीव करने में सफल हो सकता है, तो हम जैसे इंसान क्यों हार मान जाते हैं। तो गाइज, इस प्रेरणादायक बातों से आपने क्या सीखा? मेरा एम और उद्देश्य यही है कि अपनी आवाज से मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। सीखना सिखाना जीवन का हिस्सा हुआ करता है और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीख कर आया हो। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी वीडियो को एक लाइक और साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।